राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण व्रत कथा और आरती सुनेंगे। अगर आप मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको साथ में पूर्णिमा की कहानी और आरती भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शुनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्चय नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देखकर किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहां श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहो। तथा नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजयी है। भक्ति और श्रद्धा के सिंह पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए कफल, घी, दूध, गेहूं का चूरण और सवायां लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूरण, शक्कर और गुड़ लेवे। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद सब भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस व्रत को करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूति जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले से सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ से सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या
क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यमन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते ये देख कर पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे बताइए। राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजा, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूँगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ वह साधु घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10 महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल के साथ सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से भी विवाह के समय वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से राजा से बोले कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख कर के आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता से कलावती ब्राह्मण के
घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होते हुए देखी। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और भगवान से ये प्रार्थना करी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें और साथ ही प्रार्थना करी कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेशों को प्रातः ही छोड़ दो और वह सब धन जो तुमने उससे ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में लाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वेश्य ने मंगलाचर करके यात्रा आरम्भ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बैल पत्ते आती देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समानों का मैं धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। अपने नगर के निकट पहुंचकर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर वह साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ने देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर कर उसने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा, जिससे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया
उन्हें ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक से सत्यदेव भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने पर वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुम ध्वज ने स्वयं भूभोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा कहने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती बोलेंगे, उसके बाद ओम जगदीश जी की आरती बोलेंगे। आइए सबसे पहले श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। मेरे साथ आप भी आरती को गाइए, इससे आपको पूरा फल प्राप्त होगा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पाधक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़िक राजा तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो, स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो श्रद्धा धारण की नीति को काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सच देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो दावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरी आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजास करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति
कि सुविध मिलू दया मैं तुमको कुमती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस कथा और आरती को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में रहे। धन्यवाद।